ओम नमस्ते नमस्कार। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हमारे जो दुर्गुण हैं, हमारे जो दुर्व्यसन हैं, हमारे जो अवगुण हैं, हम ईश्वर से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन दुर्गुणों को, उन अवगुणों को, उन दुर्व्यसनाओं को दूर करके जो सद्गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करवाए। हम प्रातः उठते ही और सायं पर्यंत जितने भी कार्य करते हैं, हम ईश्वर को अर्पण करते हुए करते हैं। जब हम ईश्वर को अर्पण करते हुए हर कार्यों को करेंगे, तो सिर्फ हमें कुछ ही क्षण ईश्वर की प्रार्थना नहीं करने के लिए जो समय हम लेते हैं, केवल वो हमारा समय नहीं रह जाएगा। हमारा 2400 घंटे का जो समय होता है, वो ईश्वर की आराधना पूजा करने का ही समय बन जाएगा। तो जो भी हम कार्य करें, वो ईश्वर के नाते करें, क्योंकि हमारा जो मूल है, हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो एक मूल स्वभाव है, वो परमपिता परमात्मा को जानना, उसको पहचानना। क्योंकि जितना भी हम इस सृष्टि चल रही है, उसी के ही अनुसार चल रही है। वही है इस सृष्टि का रचयिता, जो हम सारी प्रकृति देख रहे हैं, जो हम स्वयं हैं, हमारा अस्तित्व उसी का दिया हुआ है, उसी ने बनाया है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको भुला नहीं सकते, हम उसको भूल नहीं सकते। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के बिना नहीं रह सकता, वैसे हम साधक, हम भक्त ईश्वर के बिना नहीं रह सकते। जैसे वो माँ से दूर होता है, वो बिलखने लग जाता है, रोने लग जाता है, अगर वैसे ही हमारे जीवन में हम अगर ईश्वर से हम दूर होते हैं, वैसे ही हम कष्टों में घिर जाते हैं, वैसे ही हम अवगुणों से घिर जाते हैं। अवगुण हमारा स्वभाव नहीं है। फिर आप कहेंगे, हम कैसे पहचाने कि हमारा स्वभाव क्या है? जिस स्वभाव से, जिस सोच से हम काफी समय तक हम अपने समय को हम बिता पाते हैं, जिस स्वभाव से, जिस विचार से, जिस परिस्थिति में हम अधिक समय तक रह सकते हैं, वही हमारा स्वभाव है। जैसे कि हम अगर किसी पर क्रोध करते हैं, क्रोध तो हमारा बिल्कुल तुच्छ सा ही होता है। कभी किसी पर कर दिया, कभी ड्राइवर पर कर दिया, तो कभी हमारे घर पे जो काम करने वाले उन पर कर दिया, कभी ऑफिस गए तो ऑफिस में कर्मचारियों पर कर दिया, घर में रहते हैं तो घर में के लोगों पर कर दिया। हम छोटे छोटे स्तर पर हम गुस्सा करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं। तो क्या हम उस क्रोध को बहुत देर तक अपने स्वभाव में बना करके रख पाते हैं? उस विचार से हम बहुत देर तक रह पाते हैं? उस विचार में हम बहुत देर तक चल पाते हैं? नहीं। कुछ ही क्षण में हम उस स्वभाव से, उस विचार से हम निकलना चाहते हैं, और हम निकल करके उसमें हम अच्छाइयां ढूंढना चाहते हैं, उसमें हम प्रसन्नता ढूंढना चाहते हैं, उसमें हम खुशी ढूंढना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्वभाव जो है, वो क्रोध का स्वभाव नहीं है, वो गुस्सा का स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो प्रसन्नता का है, हमारा स्वभाव तो खुश रहने का है। तो हम पहले अपने स्वभाव को पहचाने कि हमारा स्वभाव क्या है। तो हम अपने स्वभाव के अनुसार जिए। हमारा स्वभाव है प्रसन्नता में रहना, हमारा स्वभाव है आनंद में रहना, हमारा स्वभाव है सहजता, हमारा स्वभाव है सब पर करुणा करना, वात्सल्य करना, सबसे प्रेम से रहना, सबकी मदद करना। जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैसे भी हों, उनकी मदद करना, उनके ईर्ष्या द्वेष क्रोध का भाव ना रखना, ये हमारा स्वभाव होता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से, संस्कार वसात या
गलत अभ्यास के कारण से या गलत संगति के कारण से हम अपने आप को भूल जाते हैं। अगर हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, हम अपने मनुष्यता को भूल जाते हैं, हम अपने इंसानियत को भूल जाते हैं, तो उसी के लिए हमारे जीवन में महापुरुषों का, ऋषियों का, गुरुओं का संग होता है। क्योंकि हम मनुष्य की एक वीकनेस होती है कि हम जो सहज मार्ग होते हैं, जो सरल मार्ग होते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं। अब वो सरल मार्ग जो होते हैं, साधारण मार्ग जो होते हैं, वो कहीं हमें बुराइयों की ओर भी भटका देते हैं। तो उन बुराइयों से बचने के लिए, उस गलत मार्ग से बचने के लिए हमें गुरु का, ईश्वर का, शास्त्र का साथ होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो उसके लिए हमें उनके संग में रह करके, उसका अध्ययन करते हुए, उनके अनुसार चलते हुए हमें अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए। एक बार आनंदमय माता जी से किसी शिष्य ने पूछा कि माँ, हम आपके सानिध्य में कई वर्ष हो गए रहते रहते, हम आपके सत्संग भी सुनते हैं, आपका संग भी करते हैं, आपके पास भी आते हैं, बहुत समय हो गया आपसे जुड़े हुए, कई वर्ष हो गए, लेकिन हमारे अंदर का जो क्रोध है, जो उद्विग्नता है, एक विचलनपन है, वो दूर नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? तो आनंदमय माता जी जवाब देती है कि आपका संग वास्तव में संग हुआ ही नहीं, आपने सत्संग किया ही नहीं। तो उस भक्त ने पूछा, नहीं, हम तो डेली सत्संग करते हैं, कई वर्ष हो गए आपसे जुड़े हुए, फिर भी हम ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जो आप बताते हम वैसे कर पाए? तो माता जी कहती हैं कि संग हृदय से जुड़ने का होता है, संग आत्मा से जुड़ने का होता है, संग पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा का होता है। जब पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा होगी आपके मन में, आपके हृदय में, आप आत्मा से जुड़ेंगे, आप हृदय से अगर जुड़ेंगे, तो फिर आप ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे। भक्त कहता है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। माँ कहती है, देखो, जैसे मच्छर, मक्खी, ये कीड़े मकोड़े, ये भी होते हैं, ये भी मनुष्य का संग करते हैं, मनुष्य के आसपास ही रहते हैं, तो क्या ये मक्खी मच्छरों का स्वभाव बदल जाता है? अगर किसी अच्छे मनुष्य के साथ में है वो मक्खी मच्छर, तो क्या वो मक्खी मच्छर मनुष्य के स्वभाव को ले लेते हैं? उनके अंदर मनुष्यता आती है क्या? नहीं आती। मक्खी मच्छर के अंदर कैसे कैसे उनका स्वभाव बदलेगा? क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा ही है? नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल पार्थिव संग किया है। जो मक्खी मच्छर होते हैं वो मनुष्य के संग में आते हैं, तो केवल वो पार्थिव संग में आते हैं। वो मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े, दूसरे जो जानवर होते हैं, वो हृदय से नहीं जुड़ते, उनकी आत्मा से नहीं जुड़ पाते, वो हृदय से नहीं जुड़ पाते, उनका वास्तविक संग नहीं हो पाता जैसे होना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर का जो स्वभाव है, हमारे संस्कार, हम उसको बदल नहीं पा रहे, हम अपने संस्कारों के ही उसमें पीटे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, हम करना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, इसका मतलब कि वो हम मक्खी मच्छर जैसा ही पार्थिव संग कर रहे हैं। पार्थिव संग नहीं, हृदय से संग करो, पूर्ण निष्ठा से करो, पूर्ण श्रद्धा से करो। और फिर जब आप ऐसे करेंगे, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण से जब हम करेंगे, तो हमारे मन में जो संशय रूपी जो कीड़ा है वो तुरंत निकल जाएगा। तो ये जो संशय रूपी कीड़ा
कभी शास्त्र पर, अपने गुरुओं पर, अपने ऋषि मुनियों पर, महापुरुषों पर संशय नहीं करना। वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना, भले ही हमें उस समय कष्ट का अनुभव हो, लेकिन उस कष्टता में भी, उस संघर्ष में भी कुछ एक अलग ही महानता, अलग ही एक उनके प्रति उदारता छुपी हुई होती है, हमारा भला छुपा हुआ होता है, उसमें हमें कुछ विशेष फल मिलने वाला होता है। तो जिस क्षण से हम ऐसे संग करेंगे, जिस क्षण से हम ऐसे संशय रहित हम संग करेंगे, फिर आपको न क्रोध आएगा, न ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा, न किसी के प्रति कोई भी त्रुटि की भावना नहीं आएगी। तो शिष्य ने कहा, हाँ, जो आप कहते हैं, अगर हम वैसे ही आपसे तद्मय हो जाएं, आपके अनुसार ही हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने लग जाएं, लेकिन कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन कुछ समय के लिए हो, फिर वो धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते जाएं। जब हमारे अंदर एक किसी भी चीज की लगन होती है, उत्साह होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिनको हम पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण लगन से करते हैं। जैसे कि बच्चा है, अगर उसको कोई खेलने में या टीवी देखने में, सीरियल देखने में अगर उसका बहुत मन लगता है, तो उसको देखना, वो उस कार्य को, जिस कार्य में उसका बहुत मन लगता है, उसके लिए वो तड़पता रहता है, उसको बड़ी लगन, बड़ी श्रद्धा से करता है वो। कुछ भी बिगड़ जाए लेकिन उस कार्य को जरूर करेगा वो। अगर उसको खेलने में मन लगता है तो सब कुछ करते हुए भी, अगर सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ भी देगा। अगर उसको ऐसा है, उसके अंदर दबाव है उसके ऊपर कि नहीं, तो इन कार्यों को करके ही तो उस कार्य को करेगा, तो वो सारे कार्यों को संपन्न कर लेता है तुरंत तुरंत, क्योंकि उसको नेक्स्ट कार्य के लिए उसको जाना है उस कार्य के लिए। जो उसका प्रिय कार्य है, जिसको वो हृदय से करना चाहता है, पूरी मस्ती से, पूरा खो करके उसमें अपना सब कुछ खोना चाहता है, तो जब हम सब कुछ खो करके जब हम कुछ पाते हैं तो वो कुछ विशेष होता है। लेकिन जब हम बचा बचा करके हम करते भी हैं, लेकिन उसमें भी हम तर्क, कुतर्क, तर्क तो रखना चाहिए, तर्कशील तो होना चाहिए, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। और अपने गुरु, शास्त्र, वेद, अपनी ऋषियों की वाणी में जितना हम उनको सहज स्वीकार करें, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा से हम अपने जीवन में धारण करें, उतना ही हमारा कल्याण होगा। उस पर संशय, उस पर तर्क कुतर्क नहीं होना चाहिए। फिर हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, वो सार्थक होगा। तो हम अपने संग को सही बनाएं, अपने स्वभाव को सही बनाएं, अपने जीवन को बहुत उच्चतम तक ले जाएं। इस जीवन, मनुष्य जीवन में रहते हुए अगर हम दुखी, दरिद्र हैं, अगर इस मनुष्य जीवन में रहते हुए हमें ईर्ष्या, द्वेष दूसरों से होती है, अगर हम इस मनुष्य जीवन में रहते हुए भी हम व्याकुल हैं, उद्विग्न हैं, तो समझिए कि हम इस मनुष्य जीवन को जी नहीं रहे। हम ऊपर से चोला तो मनुष्य का धारण किए हुए हैं, इंसान का धारण किए हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई और ही शैतान घुसा हुआ है। तो हम इस मनुष्य के जीवन को पहचाने, इस मनुष्य के जीवन को हम देखें कि मनुष्य का स्वभाव क्या है। मनुष्य का स्वभाव है सहजता में रहना, मनुष्य का स्वभाव है सरलता में रहना, मनुष्य का स्वभाव है सब पर करुणा करना, मनुष्य का स्वभाव है सब पर दया प्रेम से रहना। किस चीज का अहंकार, किस वस्तु का अहंकार, क्यों किसी से ईर्ष्या द्वेष करना, सब कुछ तो
वास्तव में देखा जाए, मूल में जाकर के देखा जाए तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। जिसको हम अपना कहते हैं वो कुछ भी हमारा नहीं है, वो सब कुछ तो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है हमारे लिए। तो इस उपहार को संभाल करके रखना, इसकी सुरक्षा करना, एक बॉडीगार्ड की तरह, एक सुरक्षा कर्मी की तरह हमारा कर्तव्य है। और जिस समय से हमें, जिस क्षण से हमें ये पता चल जाए कि हम एक सुरक्षा कर्मी हैं, इस शरीर की हम रक्षा कर रहे हैं, इस प्रकृति की हमें रक्षा करनी है, तो जिस क्षण से हमें सुरक्षा कर्मी कहा, हम सुरक्षा कर्मी अपने आप को समझने लग जाएंगे, उस क्षण से हम बहुत आनंद में रहेंगे, हम बहुत ही सहज रहेंगे, बहुत सरल रहेंगे। और मनुष्य का स्वभाव यही होता है, हम इसको धारण करें। लेकिन जब हम ज्ञान की अल्पता होती है, तो ज्ञान की अल्पता से हम अपने आप में उलझते जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान की पराकाष्ठा हो। ज्ञान की पराकाष्ठा से हमारे जीवन में जितने भी जो कुतर्क हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो सहजता से हल हो जाते हैं। इसलिए ये ज्ञान रूपी जो धन है, इसका हम कभी अनादर ना करें। इसकी कोई लेने की उम्र नहीं होती, हर एक उम्र में हम इसको सहजता से स्वीकार करें। अब मैं थोड़ी सी जो व्यक्तियों की कमजोरियां होती हैं उस पर प्रकाश डालती हूँ। एक तो व्यक्तिगत कमजोरियां होती हैं, एक जो हमारी स्वयं की कमजोरियां हैं। जो स्वयं की कमजोरियां मतलब कि हम स्वयं से परेशान होते हैं, हम अपने संस्कारों से, हम अपने स्वभाव से परेशान होते हैं। जैसे कि देर से उठना, अधिक भोजन करना, तामसिक भोजन करना, हम अपने कार्यों को सही समय से ना करना, जो भी हमें अपने कार्य में निर्धारण है, अगर हम विद्यार्थी हैं, अगर हम कर्मचारी हैं, अगर हम शिक्षक हैं, हम कोई भी किसी भी कर्म क्षेत्र में हैं, हम उस कर्म को अगर हम नहीं निभा पाते तो हम उससे, हमें स्वयं को दुख होता है, हम स्वयं उससे दुखी होते हैं, विचलित होते हैं। ये तो एक हमारा व्यक्तिगत हो गया, हम व्यक्तिगत लापरवाही के कारण से हम दुखी होते हैं। लेकिन एक हम दूसरे के प्रति हम जो क्रोध करते हैं, चोरी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी को हम कष्ट देते हैं, किसी को हम प्रताड़ित करते हैं, वाणी से, व्यवहार से हम उसको कष्ट देते हैं, एक ये हमारे अंदर दोष हो गया। तो ये बिल्कुल अज्ञानता के कारण से होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को कर्ता मत समझ, कर्ता तो मैं ही हूं। ये सब कुछ को करने वाला, इस सब कुछ को बनाने वाला तो मैं ही हूं। केवल तू मेरे में समाहित होकर के तू कर्म करता चल। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम मन नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसी। मन मना भव मत, मेरे मन वाला हो जा, मेरे परायण हो जा, सब कुछ मेरे में अर्पण करके तो आगे बढ़ता जा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पग पग में समझाते हैं, वैसे ही ईश्वर हमें पग पग में समझाते हैं। हम सब अर्जुन की भूमिका में हैं। जब कष्ट होता है, जब हम विचलित होते हैं, तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो हम अगर सहज होकर के थोड़ा सा शांतिपूर्वक अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें, हम धैर्य होकर, धैर्यतापूर्वक, धीरता, गंभीरतापूर्वक हम आगे बढ़ें, ईश्वर हमें आत्मा से जो हमारी पुकार आएगी वो हमारे मार्ग के लिए अच्छा होगा। तो हम अपने मनुष्य जीवन को हम सहज रूपता से जिए, अपने मनुष्यता को हम पहचाने, अपनी इंसानियत को हम पहचाने,
जब हम इंसानियत को पहचानेंगे, मनुष्यता को पहचानेंगे, तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्यचित् धनम्। ईश्वर की जो वाणी है, परमपिता परमात्मा की जो वाणी है, जो गुरुओं का संदेश है, वो हमें हर पल पग पग यही सिखाता है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, जो कुछ भी हमें इस प्रकृति से, अपने महापुरुषों से, अपने पूर्वजों से, जो कुछ भी हमें अमानत के रूप में मिलता है, धन ऐश्वर्य के रूप में मिलता है, उस सब को अपने लिए जो नितांत आवश्यक हो, इस मनुष्य जीवन के निर्वाह के लिए जो अत्यंत आवश्यक हो, त्याग पूर्वक हम करें और जो कुछ भी हमारे पास में अर्जित है उसको समाज की सेवा में, उसको अपने इस प्रकृति की सेवा में अर्पित करें। जब हम इस त्याग भाव से यज्ञ दान और तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान और तप, ये जो तीन चीजें हैं, जो तीन श्रेष्ठ कर्म हैं, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए मनुष्यों को। और आज मनुष्य शैतान क्यों हो गया, आज मनुष्य हैवान क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये यज्ञ दान और तप, ये तीनों ही मनुष्यता के अंदर से निकाल दिया गया है। जो आज मैकाले की शिक्षा जो हर रगो रगो में बह रही है, उसका उद्देश्य ही यही था कि इनकी संस्कृति को नष्ट कर देना। इनकी संस्कृति में जो कुछ भी अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तो हमारे अंदर से यज्ञ दान और तप की जो शिक्षा थी, जो दीक्षा थी, वो नष्ट कर दिया गया। अगर हमें मनुष्य को मनुष्यता धारण करनी है, हम इंसान को इंसानियत धारण करनी है, तो यज्ञ दान और तप त्याग की भावना से हमें आगे बढ़ना होगा। तो हम अपने जीवन में त्याग की भावना रखें, हम अपने जीवन में उत्साह की भावना रखें, हम अपने जीवन में समर्पण की भावना रखें और अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। अपना जो पग है, अपना जो गंतव्य है, हमारे ऋषियों मुनियों की तरह हो, तब हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे और सहजता से, सरलता से हम अपने इस जीवन को बिता पाएंगे। आज इसी के साथ हम अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, ईश्वर को समर्पण करते हुए हम अपने आप को पहचाने, अपने मनुष्य होने का गौरव महसूस करें और हम हर पल श्रेष्ठ कार्यों की तरफ बढ़ते जाएं। ओम नमस्ते, नमस्कार।